मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी समुच्चय से। वापस देख लेते एक बार परिभाषा समुच्चय। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये थी आपके समुच्चय की परिभाषा। अब है हम इसके बाद में हमने समुच्चय को कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समुच्चय का जब नामकरण करना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे। इसका अगर नाम देना है तो कौन से अक्षर आएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। समुच्चय को हमेशा हम मंजले कोष्ठक में लिखेंगे। इनके अवयव जो होंगे, इनके अवयव बीच, इनके मंजले अवयव को मंजले कोष्ठक में, मंजले कोष्ठक में कोमा से पृथक करते हुए लिखना है। कोमा से पृथक करते हुए लिखना है। और यदि कोई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अगर समुच्चय में आते हैं तो हमें छोटी जो ABCD है वो काम में लेने हैं। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में की थी। अब देखते हैं समुच्चय को लिखने की विधियाँ। तो समुच्चय को लिखने की दो विधियाँ, समुच्चय को दो तरीके से लिखा जाता है। समुच्चय को लिखने की दो विधियाँ हैं। एक है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। सारणीबद्ध रूप में जो अवयव होते हैं हम सीधे अवयवों को लिखते हैं मंजले कोष्ठक के अंदर। सारणीबद्ध रूप के अंदर जो भी अवयव हैं उनको सीधा मंजले कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे आपका समुच्चय था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो हमने सीधा जो होते हैं उनको मंजले कोष्ठक में लिख दिया। ये इसका उदाहरण है सारणीबद्ध रूप का। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? पहले तो हम एक चर का निर्धारण करते हैं। चर आप जानते हो, वेरिएबल अंग्रेजी में XYZ। तो सबसे पहले हम एक चर का निर्धारण करते हैं। चर का निर्धारण करने के बाद हम ये दो बिंदु जिसे हम पढ़ते हैं सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। फिर जो आप जिस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है उसका एक विशेष गुण देखते हैं, विशेष गुण निर्धारण करते हैं। विशेष गुण निर्धारित या निर्धारण करते हैं, उस गुण को हम लिखते हैं। जैसे यह आपका एक रोस्टर रूप में समुच्चय है, तो हमने भाई एक चर निर्धारित किया x। फिर हम प्रयोग करेंगे सेमीकोलन का, फिर वापस लिखेंगे x। अब इसके आगे इस x की विशेषता लिखेंगे, यह x क्या है? तो ये x क्या है? ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो
ये जो रूप है आपका रोष्ट रूप है, इसी रोष्ट रूप को हमने लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में। जैसे हमने एक और लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन कंटिन्यूस अनंत तक है ये, तो एक समुच्चय है जिसके अवयव है 2, 4, 6, 8। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हमने एक चर मान लिया, माना कि y, फिर आपको सेमी कोलन का उपयोग करना है, y वापस लिखना है। अब इस y की विशेषता लिखनी है, गुण बताना क्या है, तो ये देखो क्या है, ये सभी सम प्राकृत संख्या है। y क्या है, y है सम प्राकृत संख्या। तो समुच्चय को लिखने के दो तरीके हो गए, पहला तरीका है सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। देखिए जैसे एक और देखते हैं, एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 2, 4, 6, 8। ये तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा रूप है, ये आपका है रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। अब इस रोस्टर रूप को आपको लिखना है, रोस्टर रूप को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। हमने क्या किया, ध्यान देंगे इसको भी हमें मंजिला कोष्टक में ही लिखना है, तो पहले हमें लगाएंगे मंजिला कोष्टक। हमने चर मान लिया x, फिर सेमीकोलन, वापस x। अब इसकी विशेषता ये क्या है, x जो है 2 का गुणज है, क्या है 2 का गुणज, x क्या है 2 का गुणज है। अब 2 का गुणज तो है, लेकिन 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये भी 2 के गुणज है, ये सभी अंक थोड़ी आए हैं यहाँ पे, 8 के बाद ख़त्म हो गया ये। तो यहाँ पे हमें इस x को प्रतिबंधित करना होगा, x 2 का गुणज है लेकिन x का मान क्या है 2 के बराबर या 2 से बड़ा तथा 8 के बराबर या 8 से कम है। यहाँ पे हमने x को प्रतिबंधित कर दिया। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो इसका मतलब ये होगा जो मैंने पीछे बताया था 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ तक लिखते हो तो ये आगे अनंत तक जाता है, लेकिन आपके यहाँ पे मान तो 8 के बाद है ही नहीं। जब 8 के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको आपको क्या करना होगा, बाउंडेड करना होगा कि आपके यहाँ तक ही मान है। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 ये संख्या लिख दी मैंने 100 तक, तो पहले पता होना चाहिए क्या है, ये समुच्चय का रोस्टर रूप है। अब इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप मतलब होता है आपका भाषा, लैंग्वेज। तो क्या लिखेंगे, पहले मंजिला कोष्टक, एक चर का निर्धारण करेंगे, फिर सेमीकोलन का उपयोग, वापस चर। अब इसकी विशेषता ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है। ये कैसे है, वाई क्या है, वाई एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब ये प्राकृत संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये अनंत तक जा रही है क्या, नहीं। तो क्या है, प्राकृत संख्या है, यहाँ पे x का मान क्या है 100 के बराबर तथा 100 से छोटा है। x का मान क्या है 100 के बराबर
तथा सौ से छोटा है, सौ से आगे हम नहीं जाएंगे। अब मैंने छोटा के लिए तो लिखा कि एक्स का मान सौ से छोटा है, लेकिन बड़े के लिए नहीं लिखा। तो बड़ा क्योंकि प्राकृत संख्या एक से ही शुरू होती है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू हो रहा है तो यहाँ शुरू स्टार्टिंग से प्राकृत संख्या शुरू हो रही है, इसलिए यहाँ पे आप चाहो तो काम ले सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर ये एक से छोड़ के बीच में से कहीं शुरू होती तो आपको लिखना होता कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स एक के बराबर या एक से बड़ा तथा सौ से छोटा है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक के बजाय ये बीच में से कहीं से शुरू हो तो आपको 100% आवश्यकता होगी। तो जब आपके डायरेक्ट अवयव सीधे अवयव लिखे हुए हो तो वो होता है रोस्टर रूप, और जब आप लैंग्वेज के रूप में लिखते हो तो यह होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो अब तक आपने पढ़ा है समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय को लिखने की दो विधियाँ। एक बार हम उदाहरण देख लेते हैं कि एक समुच्चय आपको लिखा हुआ है निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप आपको दिया हुआ है। समुच्चय निर्माण रूप क्या दिया हुआ है? x जबकि x क्या है? एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है और एक्स एक धन पूर्णांक है, एक्स छोटा है 10 से। तो आपके समुच्चय निर्माण रूप में एक उदाहरण दिया हुआ है एक्स जबकि, इसको हम क्या पढ़ते हैं सेमीकोलन को, जबकि एक्स जबकि एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स का मान क्या है 10 से छोटा है, इसको हम लिखेंगे रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्णांक संख्या होती है माइनस की भी प्लस की भी। एक्स का मान 10 से छोटा है और धन पूर्णांक है, तो देखिए यह हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक्स का मान 10 से छोटा, 10 से छोटे 9 तक होंगे। पूर्णांक नेगेटिव होते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स धन पूर्णांक है। फिर जीरो भी आता है तो जीरो ना तो धन होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए इसको जीरो को भी हमने छोड़ दिया। तो ये आपका था समुच्चय निर्माण रूप, इसका रोस्टर रूप में ये उत्तर आएगा क्या है? एक्स एक धन पूर्णांक है जिसमें जीरो शामिल नहीं हुआ। जीरो शामिल क्यों नहीं हुआ? कि जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, फर्स्ट बात। दूसरा, नेगेटिव पूर्णांक लेना ही नहीं है, 10 से छोटा है तो उत्तर क्या हो जाएंगे? 1 से 9 तक। अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय का प्रकार नंबर एक, पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त आप जानते हो, आपने पढ़ा है रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान भरो मतलब क्या होता है? वो जो जो जगह बनी वो खाली होती ना, तो रिक्त मतलब आप जानते हो खाली। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो,
उससे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय को हम लिखते हैं मंजिला कोष्टक या फाई, या फाई, इसको क्या पढ़ेंगे हम, फाई फाई, दोनों में से एक का प्रयोग करना है। अगर आप कभी इस प्रकार से यूज करते हो तो ये गलत है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो क्या है ये, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है फाई। ये क्या है, यह है रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह है एक ऐसा समुच्चय है, यह एक ऐसा समुच्चय है जिसका एक अवयव फाई है। तो आप मंजिला कोष्टक में फाई लिखते हो तो ये रिक्त समुच्चय का इंगित नहीं करेगा। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है केवल मंजिला ब्रैकेट या केवल फाई। इसका उदाहरण एग्जाम्पल ऐसा क्या होगा कि भाई आप रिक्त समुच्चय का उदाहरण, तो एक्स जबकि एक्स एक्स क्या है, एक ऐसी संख्या जो पाँच से बड़ी है वो चार से या तीन से छोटी, पाँच से बड़ी हो तीन से छोटी संख्या बताइए। एक्स का एक ऐसा मान बताइए जो पाँच से बड़ा हो तीन से छोटा हो, तो ऐसा कोई नहीं होता। तो ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। एक ग्रुप है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, समुच्चय किसका, स्वरों का, वॉवल्स, समुच्चय में व्यंजन होना। तो आपने क्या कहा, स्वर, ये जो समुच्चय किसका है, स्वरों का, तो स्वरों का समुच्चय, तो इसमें व्यंजन कहाँ से आएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। एक समुच्चय है किसी बालिका विद्यालय में, बालिका विद्यालय में छात्र का, छात्र का होना। तो आपको साफ शब्दों में लिखा हुआ जो स्कूल है वो कैसा है, गर्ल्स स्कूल है। तो गर्ल्स स्कूल में बॉयज क्या करेंगे, उनका एडमिशन होता ही नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो ये सारे रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, जीरो अवयव हो। इसको हम फाई से या मंजिले कोष्टक से लिखते हैं। अगर आप कभी मंजिले कोष्टक में फाई लिखते हो तो ये रिक्त समुच्चय का नहीं है, ये एक समुच्चय है जिसमें एक अवयव है फाई। ये आपके इसके तीन उदाहरण हैं। नंबर दो, एकल समुच्चय। नंबर दो, एकल समुच्चय। तो साफ शब्दों में लिखा हुआ एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। उदाहरण x, एक्स क्या है, एक्स का मान तीन से बड़ा है, पाँच से छोटा है। तो इसका क्या आएगा उत्तर, चार आएगा, नहीं आएगा, एक अवयव चार है। तो ऐसा कोई भी समुच्चय हो जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय। तीसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, तो आप परिमित अपरिमित जानते हो, जो काउंटेबल हो, जो गिनने योग्य हो, जिसको हम गिन सके वो होता है परिमित, जो हम गिन नहीं सके मतलब अनंत हो उसे हम कहते हैं अपरिमित। तो ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो। जिसमें अवयव की संख्या
सीमित हो, मतलब काउंटेबल हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मैंने सीमित कर दिया 100 तक, तो प्राकृत संख्या 100 तक आ गई, तो ये परिमित है। अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 छोड़ दिया, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। ये किसका उदाहरण हो गया? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अनंत है। जिसमें सीमित हो वो परिमित, जो सीमित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमित। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित सीमित हो वो तो होगा परिमित, जिसमें बहुत सारे हो वो हो जाएगा अपरिमित। अब है समान समुच्चय, अगला है पांचवा, समान समुच्चय। तो देखिए, बात हो रही समान समुच्चय की, तुलना की बात कर रहे हो, तो तुलना होती है कम से कम दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में। किसी भी चीज के लिए तुलना के लिए दो तो होने चाहिए। तो क्या होगा? दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि, कब? नंबर एक, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। दूसरा, संगत अवयव बराबर हो, संगत अवयव बराबर हो। देखिए कैसे, एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 2, 4, 3, 1। तो समुच्चय ए में कितना अवयव है? समुच्चय ए में 4 अवयव है। समुच्चय बी में कितना अवयव है? 4 अवयव है। तो दोनों में संख्या बराबर है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो यहाँ भी है, तीन है, तीन है, चार है, चार है। तो अवयव संगत, मतलब अवयव भी समान होने चाहिए। अवयव भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हो गया समान समुच्चय। तो समान समुच्चय के लिए क्या होगा? दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो और संगत अवयव बराबर हो, तो उसे कहेंगे समान समुच्चय। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, तो दूसरे शब्दों में क्या होगा? दो समुच्चय जिनमें प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो, एक दूसरे में विद्यमान हो। दो समुच्चय हैं तो पहले समुच्चय के अवयव दूसरे में होना चाहिए, दूसरे समुच्चय के अवयव पहले में होना चाहिए, तो उससे हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। अर्थात समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं उपसमुच्चय।
उपसमुच्चय, इसका अंग्रेजी में होता है भाई सबसेट। तो आपको दो समुच्चय दिए हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए में तीन अवयव हैं, एक दो तीन। समुच्चय बी में पांच अवयव है, एक दो तीन चार पांच। तो समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। ये जो बीच में लंबा सा सी बनाया हुआ है, ये उपसमुच्चय का संकेत है। तो उपसमुच्चय का संकेत क्या हो गया? उपसमुच्चय का संकेत जो होगा, इसका संकेत है इस प्रकार से। अगर ये साइन किसी के बीच में बना हुआ है तो आप इसको पढ़ोगे सबसेट उपसमुच्चय। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए उपसमुच्चय है बी का। यहाँ हम ऐसे लिखें, बी में अवयव है दो चार छः, ए में है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो बी के सारे अवयव ए में मौजूद हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बी उपसमुच्चय है ए का। अगर कभी ऐसा हो ए में अवयव है एक दो तीन चार पाँच, बी में भी अवयव है पाँच दो चार एक तीन, तो यहाँ पे क्या है? ए और बी बराबर है, यह है समान समुच्चय। ये क्या है? समान समुच्चय। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए उपसमुच्चय है बी का साथ ही समान समुच्चय है, या बी उपसमुच्चय ए का तथा बी और ए कैसे हैं? इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो, उपस्थित हो, समुच्चय बी में हो। समुच्चय ए के सारे अवयव अगर समुच्चय बी में है, तो हम समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात नोट, समुच्चय जो आप अवयव लिखते हो उनमें क्रम का महत्व नहीं है। यहाँ पे समुच्चय में क्रम का महत्व नहीं है, कौन सा अवयव कहीं पे लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव क्या है? एक दो तीन चार पाँच। ये समुच्चय बी है जिसमें अवयव क्या है? पाँच दो चार एक तीन। तो यहाँ पे पहला अवयव एक है, यहाँ पे पहला अवयव पाँच है, तो हम कह रहे हैं ए और बी समान समुच्चय है। तो एक समुच्चय इसमें है, एक यहाँ पे है, तो सही ना? तो यहाँ पे समुच्चय में क्रम का महत्व नहीं है। लास्ट एक है इसी प्रकार में, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय इंग्लिश में होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो क्या है? जैसे आपको एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें अवयव है एक दो तीन, समुच्चय बी दे दिया जिसमें है दो चार छः आठ, समुच्चय सी दे दिया एक दो तीन सात नौ। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका संकेत होता है यू, कैपिटल यू। ये एक ऐसा आधारभूत समुच्चय है जिसमें आपको जितने भी समुच्चय दिए गए हैं
उन सभी के अवयव आ जाएंगे। एक ऐसा समुच्चय जिसमें आपको जो समुच्चय दिए हुए हैं उनके सभी अवयव मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वह आधारभूत समुच्चय, वह आधारभूत समुच्चय जिसके कि अन्य सभी समुच्चय जिनको हम किसी विशेष संदर्भ में देते हैं, देखिए एक एग्जांपल और समझिए। जैसे एक समुच्चय ए बना लिया हमने, समुच्चय किसी विद्यालय के कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय, समुच्चय बी कक्षा 12th के विद्यार्थियों का समुच्चय, समुच्चय सी कक्षा 10th के विद्यार्थियों का समुच्चय, समुच्चय डी कक्षा 9th के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब आपको अगर कहा जाए कि एक इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताइए, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उस विद्यालय का समुच्चय। क्या हो जाएगा? उस विद्यालय का समुच्चय जिस विद्यालय के बच्चों की बात हो रही है। जैसे हमने अगर ये उदाहरण लिया है कि ये ए है, समुच्चय जो ए है वो क्या है? संतोष विद्यालय के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, समुच्चय बी संतोष विद्यालय के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, समुच्चय सी संतोष विद्यालय के कक्षा 10th के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? संतोष विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इसमें क्या हो गई? यूनिवर्सल सेट में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थी शामिल हो गए। तो एक ऐसा सेट जिसमें सभी जितने भी आपने समुच्चय दिए हुए हैं उनके सारे अवयव उसमें आ जाए, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।